कल रात को तो मैं काफी सोया, बिकॉज सोना बहुत खतरनाक जरूरी हो गया था कल। अभी मैं जस्ट घर से निकला हूँ और निकल के यहाँ से मैं ट्राम पकड़ूंगा और ट्राम पकड़ के मैं सिटी में जाऊँगा। आपको मैं यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट का जरा डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट में चलता है एसबान, यूबान, ट्राम्स और बस। यूबान इज़ बेसिकली आपका जो अंडरग्राउंड मेट्रो है, बेसिकली वो चीज़ है। और एसबान जो है ये यहाँ का जो रैपिड रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रांस सिस्टम है आपका, वो वाला है। जो बेसिकली जो आपका यूबा ट्राम्स और बसेस जो चलते हैं, वो तो ट्राम तो आपके इट्स काइंड ऑफ डेजिग्नेटेड रूट्स जो उनके होते हैं ऊपर ऊपर, ये उसमें चलता है। और सो यहाँ पे जो टिकट का जो कॉस्ट है, टिकट का कॉस्ट आपको मिलेगा करीब 7 यूरो में। आप एक फुल डे का टिकट खरीद सकते हैं। और जो टिकट का जो वैलिडिटी है, ये आपके यूबान, एसबान, ट्राम्स और जो बसेस हैं, आप बसेस में आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये आप टिकट मॉर्निंग में ख़रीदिए, और मॉर्निंग में ख़रीद के ये रात के 3 बजे, यानी कि अगर आप सुबह 9 बजे ख़रीदते हैं तो रात के 3 बजे नेक्स्ट डे ये एक्सपायर हो जाता है। और इन बिटवीन आप वो जो 7 यूरो का जो टिकट है, वो आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो हो गया आपका एक वे का टिकट। जो दूसरा टिकट है वो है पॉइंट ए पॉइंट बी। वो आप, और बाय द वे, आपका जो टिकट खरीदने का जो सिस्टम है, जरूरी नहीं है कि आप क्या उससे ही खरीदते हैं। आप टिकट यहाँ पे आप किसी भी ट्राम, बस या ट्रेन्स में आप खरीद सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा टिकट खरीदना है, देन आप कियोस्क में जाइए किसी भी स्टेशन के, और कियोस्क में जाके आप टिकट को खरीद लीजिए। अगर आप पॉइंट 1 टू पॉइंट बी जा रहे हैं, तो उसका भी प्राइसेस है यहाँ पे, जिसका कॉस्टिंग है करीब 1.5 यूरो के आसपास, जिसमें आप सिर्फ एक ही टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और एक ट्रैवल होने के बाद आपका वो टिकट का वैलिडिटी टूरिस्ट के लिए, जो अगेन सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि फुल डे का जो टिकट है, जो कि 7 यूरो के आसपास है, वो आप ले लीजिए। और उस टिकट को एक बार आप पंच कर दीजिए, किसी भी मोड में आप जा रहे हैं, ट्राम में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, और वो फिर एक्टिव हो जाता है। एंड यू कैन ट्रैवल एज मैनी टाइम एज यू वॉन्ट विद दैट पर्टिकुलर टिकट ऑन डे। बर्लिन के यूबान में हूँ, और मैंने यहाँ पे एक डे का टिकट लिया हुआ है। सो ये मैंने लिया है जोन ए बी सी, 7.7 यूरो का, और ये मेरा पर डे टिकट है, जहाँ पे मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स मैं ट्रैवल कर सकता हूँ एस यूबान, ट्रैम एंड बस। सो आई थिंक ये वाला जो ट्रेन, ये टिकट है, ये पूरा वैलिड है। जब आपको जोन के बारे में पता नहीं है, आइडली जो टूरिस्ट जोन है दैट इज़ ए एंड बी, बट जब आपको पता नहीं है कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वो जोन ए है या बी है या सी है, सो आई रिकमेंड कि आप पूरा का पूरा टिकट ले लीजिए, जो कि 0.70 सेंट्स ज़्यादा है। आपका जो जोन ए और बी का जो टिकट है वो 7 यूरो का मिलता है, बट जोन ए बी सी का जो टिकट है वो सिर्फ 70 सेंट्स आपको ज़्यादा मिलता है। सो मैंने वही टिकट ले लिया है, तो अभी मुझे कोई चिंता नहीं है कि मुझे जोन ए में जाना है, बी में जाना है या सी में जाना है। अच्छा, टिकट लेने के बाद एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए कि टिकट को आप जो वहाँ पे जो वेंडिंग मशीन है वहाँ पे आप वैलिडेट कर लीजिए। सो जैसे आप इसको वैलिडेट करते हैं, ऊपर जो डेट है ये डेट मेंशन हो जाता है। सो आपका जो भी टिकट काउंटर मशीन है, टिकट काउंटर मशीन के बगल में ही एक वैलिडेशन मशीन भी है। सो आप उसको प्लीज़ वैलिडेट कर दीजिए, और वैलिडेट करने के बाद आप यू जस्ट नीड टू वैलिडेट वंस एंड यू कैन गो एन नंबर ऑफ टाइम्स। सो आपको बार बार वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो एक बार वैलिडेट करिए और फिर उसके बाद जाते रहिए।
लिए कमिट है आपका। अच्छा, बर्लिन का एक खास बात ये है कि बर्लिन जब ईस्ट से अपने सोवियत यूनियन और वेस्ट से जब अलाइड फोर्सेस ने अटैक करना शुरू कर दिया था, तो सबसे पहले यहाँ पे रशियन पहुँचे थे। जो रशियन थे वो था तुम्हारा ईस्ट बर्लिन, और जितने भी हमारे अलाइड फोर्सेस थे उन्होंने कैप्चर किया था वेस्ट बर्लिन को। सो ईस्ट और वेस्ट दो अलग अलग गवर्नमेंट के और दो रादर से कि डिफरेंट आर्मी के पावर में था उस टाइम पे जब कैप्चर किया ईस्ट एंड वेस्ट को। सो यहाँ पे इन लोगों ने ये बर्लिन वॉल बनाया ताकि ईस्ट और वेस्ट अलग हो सके, जो कि सोवियत के अंडर में रहेगा ईस्ट और अलाइड फोर्सेस के अंडर में रहेगा वेस्ट। सो अभी तो फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा कुछ बर्लिन वॉल के नाम पे कुछ है नहीं, बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है बर्लिन हिस्ट्री में। ये पहले एक SS का हेडक्वार्टर हुआ करता था, जो कि हिटलर का एक एलीट फोर्स था। ये यहाँ पे पहले SS का हेडक्वार्टर हुआ करता था। यहाँ पे इसका म्यूजियम भी है, जहाँ पे इसका डिटेल में आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा कि ये म्यूजियम तो एब्सोल्युटली फ्री है। आप अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखना चाहेंगे तो ये बर्लिन वॉल का जो मॉन्यूमेंट है वो अभी सिर्फ इतना ही रह गया है। ये करीब इट्स नॉट इवन 1 किलोमीटर, इतना ही आपका बर्लिन वॉल रह गया है। सो बर्लिन वॉल का अगर आप इस साइड जाते थे पहले, ये आपका ईस्ट जर्मनी कहलाता था। बर्लिन वॉल के इस साइड जाते थे तो ये आपका वेस्ट जर्मनी कहलाता था। वेस्ट जो था ये आपका अलाइड फोर्सेस, कहने का मतलब अमेरिका और ब्रिटेन के अंडर में था, और ये वाला जो पार्ट था यानी कि वॉल के इस तरफ ये आपका एरिया था और सोवियत रूस के अंडर में। सो ये बर्लिन वॉल तब बनाया था बिकॉज उन लोगों को लगा दो अलग अलग गवर्नमेंट होगी और ये वॉल बना दो, और बाकी लोगों को जिन लोगों को ईस्ट में जाना था सोवियत कंट्री में, जिनको लग रहा था कि काफ़ी अच्छा रहेगा वो सोवियत में चले गए, और जो अमेरिका और ब्रिटेन कंट्री में जाना चाहते थे वो इधर आ गए वेस्ट में। लेकिन थोड़ी देर में पता लग गया कि जो ईस्ट जर्मनी में जो लोग रहते थे वो ज़्यादा खुश नहीं थे बिकॉज सोवियत रूस ज़्यादा उन पर ध्यान देती नहीं थी। तो बहुत लोग, ये जो बर्लिन वॉल है, ये आपका वॉल दिख रहा है, तो यहाँ से ईस्ट जर्मनी के लोग, बिकॉज वेस्ट के लोग तो ईस्ट में जाना नहीं चाहते थे बिकॉज वेस्ट के लोग काफ़ी खुश थे बिकॉज ब्रिटेन और अमेरिका उनकी काफ़ी मदद कर रहा था, बट जो ईस्ट जर्मनी में थे उनकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सो लोग क्या करते थे, ये जो वॉल है, ये वॉल आपको दिखा देता हूँ, ये वॉल, ये पूरा का पूरा ये वॉल हुआ करता था पहले, बट यहाँ पे अभी सारा तोड़ के सिर्फ एक एज ए मॉन्यूमेंट इतना ही रहता था। तो लोग क्या करते थे, ईस्ट जर्मनी में अपना वॉल को फांध के वेस्ट जर्मनी जाने की कोशिश करते थे, और जितने भी लोग इस वॉल को फांदने की कोशिश की तो जो ईस्ट जर्मनी यानी कि सोवियत रूस के जो लोग होते थे उनको गोली मार देते थे ताकि वेस्ट जर्मनी ना जा सके। अब इसके ऊपर 2-3 मूवीज हैं, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, बट काफ़ी अच्छी फेमस मूवी है, वो मूवी आप देख सकते हैं, और काफ़ी फेमस है उस मूवी का नाम, जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, आई थिंक टॉम हैंक्स है उस मूवी में एज ए नेगोशिएटर, आपको वो पता लग जाएगा, वो मूवी देखिए, आप सर्च करिए। अभी मैं चेक पॉइंट 40 में हूँ। सो चेक पॉइंट 40 जब बना था, सो इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया था, इस एरिया के लेफ्ट हैंड साइड में आपका US का पॉइंट था, और इस पॉइंट के बाहर ये आपका रशिया का पॉइंट था। यहाँ पे पूरा का पूरा एक इंटरनेशनल बॉर्डर हुआ करता था जब ये बना था। यहाँ पे टैंक्स वगैरह होते थे, एक टैंक का बैरल जो था वो रशिया की तरफ होता था, रशिया का जो टैंक था वो वेस्ट की तरफ होता था, वेस्ट का जो टैंक था वो ईस्ट की तरफ होता था। सो ये चेक पॉइंट 40 यहाँ पे काफ़ी फेमस है। सो यहाँ पे पहले आपके फोटो खिंचवाने के लिए टूरिस्ट के लिए यहाँ पे आर्मी के ड्रेस में लोग भी रहते थे, आप उनको पकड़ के फोटो खिंचवा सकते थे।
बट 1945 के टाइम पे जस्ट इमेजिन करिए, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर हुआ करता था जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। देखा होगा कि आप अगर आप ईस्ट जर्मनी से आप अगर देख रहे हैं, यानी कि फ्रॉम द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको देखेगा कि एक अमेरिकन सोल्जर या एलाइड फोर्सेस का सोल्जर रशिया की तरफ देखते हुए, और आप अगर ठीक उसके ऑपोजिट में चले जाएंगे, ये वाला, सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि मैं अभी वेस्ट जर्मनी में हूँ, सो वेस्ट जर्मनी में अगर आप खड़े हैं तो आपको देखेगा कि एक सोवियत रूस का एक सोल्जर आपकी तरफ देख रहा है। सो अभी तो यहाँ पे एक्चुअल सोल्जर्स बैठे नहीं रहते, बट यहाँ पे एक फोटोज को यहाँ पे पोर्ट्रेट करके रखा हुआ है। हम लोग अभी ब्रैंडनबर्ग गेट में हैं। इस गेट का जो सिग्निफिकेंस है वो जर्मन हिस्ट्री में बहुत पुराना है, और दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैंडमार्क इन जर्मनी। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे ये आसपास का पूरा एरिया डैमेज हो गया था। आसपास तो अभी देख रहे हैं, अभी ये पूरा एरिया डैमेज हो गया था, पूरा डैमेज हो गया था। सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे साबुत था, जिसको अभी भी आप अगर पास जाके देखेंगे तो यहाँ पे गोलियों के निशान और जो यहाँ पे जो पहले अटैक्स हुए थे तो उनके इस दीवार में आपको काफ़ी निशान मिलेंगे। जब सोवियत रूस ने कब्ज़ा जब किया था तो इसी रूट के थ्रू इन लोगों ने मार्च किया था। फिलहाल तो अभी यहाँ पे दो तीन एम्बेसीज हैं आसपास, सो आप यहाँ पे आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है आई थिंक अमेरिकन एम्बेसी भी यहीं पे है, और दो तीन कॉर्पोरेट सेक्टर्स के बैंक्स, कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी यहाँ पे है। ब्रैंडनबर्ग गेट से निकल गया, मुझे यहाँ पे बियर गार्डन में जाके थोड़ा सा बियर पीना है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, आई थिंक वो 8:30 बजे क्लोज हो जाता है और अभी 6 बजे है। अभी हम लोग एक बियर गार्डन में हैं, इसका नाम है जॉल पैकऑफ। सो अभी हम लोग एक बियर गार्डन में हैं जिसका नाम है जॉल पैकऑफ। इसका मैं स्पेलिंग आपको दे दूंगा, इट्स ए वेरी गुड वन। आप बाहर बैठ सकते हैं,
बाहर बैठने का आपको लेक के बगल में ही है, रिवर के बगल में ही है, सो बाहर बैठ के आपको सिर्फ ड्रिंक्स मिलेगा, आप भी पी सकते हैं। अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो है आपका फूड एंड ड्रिंक्स। सो अगर आपको खाना है और पीना है तो आप प्लीज़ अंदर बैठिए, और इनकेस अगर आपको सिर्फ पीना है तो आपका अंदर है, बाहर है वो जाके बैठ जाइए। सो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ एनवायरनमेंट। Ich könnte gerne was unterschreiben, aber meine Persönlichkeitsrechte. अभी यहाँ फिलहाल ज़्यादा लोग तो नहीं है, एक दो लोग ही बैठे हुए हैं, और मैं जरा अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ। सो प्रॉब्ली हम लोग यहाँ बैठेंगे। कैन वी सिट देयर? कैन वी सिट देयर? देयर? या ओके। अच्छा मैं जरा आपको अंदर का दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे ये पूरा का पूरा वैराइटीज है, आपको जो बियर पीना है अलॉन्ग विथ ये रेस्टोरेंट से यहाँ से। बियर हमने जो ऑर्डर किया है वो फ्रेश फ्रॉम वुडन बैरल से किया हुआ है, और उसका नाम है, मैं आपको जरा बता देता हूँ, उसका नाम है ऑगस्टिनर एडलस्टॉफ फ्रॉम द वुडन बैरल। तो ये है आपका ये वाला चीज़। सो ये आपका बियर। सो बियर का टेस्ट जो है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो हम लोग बियर पी के वो गार्डन से अपने घर तक तो पहुंच गए, फिर हम लोग को मन किया यार अपना इंडियन खाना खाने का, अभी सुबह से इधर उधर का खाना खा के। सो हम लोग सबसे पहले गए अपने वो पाकिस्तानी भाई के रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने बोला कि उनका जो ऑनलाइन सिस्टम है वो पूरा का पूरा डाउन है। सो और मुझे कैश निकालने का भी मन नहीं था, सो मैंने बोला कि यार ठीक है आप रहने दीजिए, हम लोग दूसरे में चलते हैं। तो गूगल में चेक किया, सो एक हम लोगों को एक और इंडियन रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम है मंजोद, और वो तो वहाँ जाके पता लगेगा कि वो इंडियन है कि कोई और भाई साहब चला रहे हैं, बट नाम से तो वही लग रहा है, और वहाँ पर इंडियन डिशेज भी हैं। सो घर से हमारे यहाँ पे ये रेस्टोरेंट जो है करीब 700 मीटर के आसपास था, और अभी हम लोग जा रहे हैं मंजोद, और यहाँ से ये राइड लेना है। आज एक्चुअली फ्राइडे है, सो यहाँ पे जनरली आपको 8-9 बजे पब्स पूरा खाली दिखता है जो रेजिडेंशियल एरिया है, और आज हर जगह भरा हुआ है बिकॉज कल छुट्टी है, तो लोग आज आराम से अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपने खा पी रहे हैं, और होपफुली हमारा जो रेस्टोरेंट है वो भी खुला हो इस टाइम तक। सो अभी गूगल के हिसाब से दिखा रहा है कि 2 मिनट का रास्ता है, विच इज 170 मीटर। सो वो मैं आपको वहाँ पर रिव्यू देता हूँ मंजोद रेस्टोरेंट कैसा है, बट सेहत एंड फतेह जो रेस्टोरेंट था उसका खाना बहुत अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उसका इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, तो इसकी वजह से हमको वहाँ से उठ के आना पड़ा, बिकॉज कल मैं कहीं और जा रहा हूँ, और उसकी वजह से मुझे यूरो करेंसी मुझे नहीं निकालना था। सो हम लोग का खाना तो आ गया अभी। ये है हम लोग का मटन गोश्त, राइट, मटन गोश्त। ये है नान, गार्लिक नान ऑर्डर किया था, ये प्लेन राइस है, और ये है अपना लैम्ब बिरयानी। सो क्वांटिटी जो है इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी दिया है यहाँ पे, आई डोंट नो हम तीन लोग अभी खाएंगे कैसे, क्वांटिटी के मामले में कोई कंजूसी नहीं, और बढ़िया दिया। अभी खाना तो टेस्ट के बाद ही पता लगेगा कि खाना कैसा है।
आगे देखते हैं जरा। तो हम लोग अभी भी खाना खा के निकले, ये देखिए आपका मंचो। गाइस मैं इसका जो खाना था तो खाने की क्वांटिटी एक तो इसकी काफी ज्यादा थी और खाने का जो टेस्ट था वो भी मुझे काफी अच्छा लगा, और खाने का जो रेट था जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी सस्ता था इन कंपेयर टू द अदर वन जहाँ पे हम लोग पहले गए थे। सो हम लोग तो गूगल की रेटिंग के हिसाब से आए थे और गूगल का रेटिंग आई थिंक जो भी गूगल की जिसने भी रेटिंग दिया है गूगल ने उसने सही दिया है।